नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और भी एक नए वीडियो सेशन के साथ जिसमें क्वेश्चन होने वाले हैं 25 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। एक पेज ले लीजिए और एक से लेके 25 तक नंबर डाल लीजिए, ठीक है। ए बी सी डी डालने हैं, बाद में वही अपना कमेंट बॉक्स में बताने कितना आपके सही हो कितना आपके गलत हुए। तो दोस्तों करते हैं फिर वीडियो की शुरुआत। फिर बता दूं मैं 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। टॉप टॉप के क्वेश्चन होंगे, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन ऊपर आएगा, पहले वीडियो को रोकिए, अपना आप सॉल्व कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड लीजिए, फिर प्ले कीजिए और मेरा सॉल्यूशन उसको देख लीजिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं फिर बता दूँ एक बार, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना इसको जरूर बता के जाना, ठीक है। तो वीडियो करते हैं फिर शुरुआत, ठीक है दोस्तों। चलो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको लगाइए फटाफट। चलो जी क्या कहता है पहला क्वेश्चन, 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते। 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, तो एक बात बताइए मुझे, ओवरऑल तो 15 पढ़ते हैं ना, 15 तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं। अब इनमें हिंदी पढ़ने वाले भी हैं और आपके क्या अंग्रेजी पढ़ने वाले भी। इसने बोला कि 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग 8 लोग 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। यार ऐसे जोड़ूं तो ये तो फिर बैठ जाएगा भैया 19 पढ़ने वाले, और मेरे पास तो केवल 15 पढ़ने वाले। तो ये बाकी के 4 कौन है? ये बाकी के 4 वही हैं जो डियर दोनों पढ़ते हैं, वो डियर दोनों पढ़ते हैं। तो आंसर कितना बनने वाला भाई मेरे? आंसर 4 बनने वाला है इसका, ठीक है। आंसर बनेगा डियर 4, यानी सी इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, पचास 65 82 नहीं पता 1 2। चलो जी देख लीजिए, अभी देखो संख्या बढ़ रही है, सीरीज बढ़ रही है, चेक कर लेते हैं। देखो 50 से कितना हुआ 15, कितना हुआ 17, कितना हुआ 19, मतलब 9 2 11 का 1 हासिल को 8 1 9 1 10 101, कौन सा बना भाई? ऑप्शन नंबर ए बना, ठीक है दोस्तों। चलो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो भाई आप क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। छात्रों की कक्षा में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है और दूसरी तरफ से 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो छात्रों में कुल संख्या कितनी है? तो देखो गौर से भाई, इधर से कौन सा है 11वां, उधर से कौन सा है 7वां, दोनों को जोड़ के 1 माइनस होता, आपको पता होगा कि 17 आ जाएंगे टोटल में, 17, ठीक है। रैंकिंग का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए आप, फटाफट क्वेश्चन को करा करो, फटाफट क्वेश्चनों को, एग्जाम में ये चीज देखने जल्दी कौन कर पाता है। अभी कर तो सभी लेंगे लेकिन जल्दी कौन कर पाता है, ठीक है। चलो जी शब्द क्वेश्चन से नहीं बनाया जा सकता, कोई एक लेटर ऐसा होगा जो मिस होगा, या फिर कोई दो लेटर उसमें, ठीक है, रिपीट हो रहे होंगे, या तो कोई एक लेटर ऐसा होगा या उसमें होगा नहीं जिसे आप बना रहे हो, या फिर कोई लेटर आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया होगा, दो ही लॉजिक लगते हैं बस। तो देखो आप जरा क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, क्वेश्चन में ओ दे रखा है आपको, नहीं क्वेश्चन में ओ दे रखा है, जबकि पूरे, ठीक है, आपका कॉन्सेंस में कहीं भी आपका ओ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बना जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो जी इसमें बोला है कि लॉस को, भैया लॉस को बोला है 1357, लॉस को बोला 1357, और भैया जी ए आई एन गेन को बोल रहा है कितना 2468 बोल रहा है। उसने बोला है कि भैया 84
से एक पांच के लिए कौन सा कोड होगा? ठीक है, अच्छा जी देखो जरा गौर से देखना यार, शुरू में आठ चार का कोड देखिए, आठ और चार का कोड देखिए, आठ देखो आठ पर एन होगा भाई, आठ पर एन होगा, चार पर ए होगा, मतलब मेरे ऑप्शन में ना एन ए से शुरू हो रहा होगा मेरा ऑप्शन। जरा मैं चेक करूं तो यार मुझे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए, इसका ए आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा, देखो नेल्स लिख रहा है। ठीक है चलो जी, क्वेश्चन नंबर छः की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छः को लगाइए। क्वेश्चन नंबर छः, ये सीरीज अभी एक, ठीक है यहाँ नहीं पता कौन सी सीरीज आएगी, यहाँ इसने बोला है कि 4 36, 409 और फिर है 5 45, 509। तो देखो डियर, देखो 2 3 4 5, तो इतना तो मुझे अभी पहले में मुझे तीन आने वाला है, जरा ऑप्शन चेक करता हूँ मैं। ठीक है मुझे दो मिल गए, तीन मिल रहे हैं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो 209, 309, 409, 509, तो मतलब लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 309, तीन 309 दे रखा है अभी, ये दोनों में दे रखा है। ठीक है अब करना क्या अभी मुझे, अब मुझको सिर्फ ए और बी चेक करने, बीच का नंबर देख लेते हैं भाई। देखो 18 से नहीं पता लेकिन 36 से 45 हो गया, 36 से 45 मतलब 9 जुड़ा, और इससे 9 घटाएं तो कितना आएगा डियर, 27, तो नीचे 27 किस में आ रहा है डियर, इसका आंसर आ गया ए, इसका आंसर आ गया भी ए। कैसे करता हूँ बताऊँ कैसे किया, देखो मैंने ऐसा किया, देखो यहाँ दो एक सीरीज है दोस्तों, एक सीरीज है ये री, ये पूरी ना सीरीज बनी हुई है, ये रहा एक सीरीज, फिर यहाँ क्या आएगा ये पूछा है, ये यहाँ दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है। देखो पहला नंबर दो तो यहाँ तीन चार पाँच छ, नहीं चार पाँच, अच्छा जी इसका नहीं पता तो देखो यहाँ 209, यहाँ 309, यहाँ 409, या 509। अब यहाँ 18 पार 27 देखोगे तो प्लस में कितना, 9, प्लस में कितना, 9, प्लस में कितना, 9, ये इसका लॉजिक है। ठीक है भाई आगे होगी बात समझे भाई मेरे, अब तो ठीक है आगे, तो यार लाइक कर दो वीडियो को फिर। ठीक है चलो जी आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर को 7 को लगाइए आप। नाइन फोर टू टू 14 गुणा 22 4, देखो भी कैसे इकाई के, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो वेरी सिंपल है, यहाँ गुणा लगाइए माइनस लगाइए बराबर, देखो कैसे, देखो 9 चौके 36 बाद में 6, 6 में से 2 गया 4 बाद में, मैंने ऐसे किया है क्वेश्चन। ठीक है मैंने एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व लेकिन मैंने इकाई के अंक से किया है क्वेश्चन, बड़ा सोचने का तरीका होता है भी इसको, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर कौन सा बना इसका भाई? ठीक है आंसर बन गया इसका डियर बी बन गया। ठीक है चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अभी, डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाइए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोलता क्या है भाई देख लेते हैं। चलो जी, विजय पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, पश्चिम कहाँ होता है डियर, नीचे या ऊपर या इधर, बोलो इधर होता है ना, हाँ जी विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, 10 मीटर, ठीक है जी चल दिया 10 मीटर, फिर वहां से बाएं मुड़ता है, देखो बाएं लेफ्ट नीचे को मुड़ता है और बोला 10 मीटर चलता है, ठीक है जी 10 ही मीटर चल गया, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अब देखो फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अब डियर इधर को चल रहा है, ठीक है इधर को चल रहा है, और अंत में दाएं और 45 डिग्री घूम जाता है, देखो यहां से दाएं और 45 डिग्री, तो मतलब यहां से 45 इधर को घूमेगा 45 डिग्री भी, ठीक है अच्छा पूरा घुमाते
ठीक है 90 डिग्री, तो फिर इधर से इधर को आ जाता, ठीक है भाई 90 डिग्री यहाँ से आपका पूरा हो जाता, 45 घुमा तो इधर को घुमा, और जब डायरेक्शन उसके कहाँ होगी, तो भाई डायरेक्शन आप चेक लिए यहीं प्लस का निशान बना दीजिए आप, लो जी डायरेक्शन चेक कर लो, ठीक है कौन सी होगी, ये आपकी होगी भाई दक्षिण, ये आपकी होगी भाई पूर्व, दक्षिण पूर्व इसकी डायरेक्शन होगी, दक्षिण पूर्व इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 को लगाइए आप। अंक गणित में अंकों का एक तिहाई, देखो जरा मैथ का एक तिहाई बराबर है इंग्लिश के आधे के, इंग्लिश के हाफ के, तो मुझे एक बात बताइए मैथ और इंग्लिश के रेशियो ना आ गए भाई, आ गए ना रेशियो 3:2। इसने बोला कि टोटल भैया उसको जो अंक मिले हैं ना वो 150 मिले हैं, अब 3:5 पॉइंट बराबर 150 के, स्केल कितने का लगा 30 का, तो 30 दिया 90 और 30 दुनी 60, बोलो किस में पूछ रहा है वो इंग्लिश में पूछ रहा है कितने अंक मिले, इंग्लिश में भैया 60 अंक मिले, इंग्लिश में उसको 60 अंक मिले। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लगाइए आप। क्या कहता है, मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है, यदि मैं 16 वर्ष का हूं तो मेरा भाई कितना होगा, मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुने से, ठीक है सपोज करो मेरे भाई की आयु बी होगी, उसका 2 गुना करो, उसमें से माइनस का 2 करो, तब आपको मेरी आयु मिल जाएगी, ठीक है। अब मेरी आयु तो भैया कितनी है, 16 है, मेरी आयु 16 है, मेरे भाई की आयु मतलब बी का बता दीजिए, 2 को इधर भेज दिए कितना हो जाएगा डियर 18, 2 यहाँ से खत्म, ठीक है 2b बराबर 18, मतलब b बराबर आ जाएगा 9, बी बराबर आ जाएगा 9, मतलब मेरे भाई की आयु होगी 9 वर्ष, ये कितना टाइम लगा बहुत ही हल्का सा टाइम, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए आप, यदि सोनम प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है तो सोनम प्रिया की संस्था सुनीता है, ठीक है चलो देखना भी गौर से। इसने बोला है कि ये जो सोनम है ना, ये सोनम प्रिया के, इस प्रिया के, सोनम प्रिया के पिता, प्रिया के फादर, के फादर, प्रिया के पिता के बेटे की पुत्री है, कौन है ये सोनम, आपसे पूछा है कि दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, और इनके ना इनके फादर के कोई पोता नहीं है, तो मतलब पोती पोती हैं अभी दोनों, तो आपस में दोनों बहनें होंगी, आपस में दोनों बहनें होंगी, आप बोल सकते हो कि भैया एक और भी तो बेटा हो सकता है, यानी समझे, ठीक है एक और भी तो बेटा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें इकलौता दे रखा है डियर, ठीक है इकलौता मिस है तो इसलिए उसकी बहन होगी ये, और यदि वो अलग होता तो देखो यहाँ फादर का फादर की पुत्री होती, तो फिर अब मुझे एक बात बताइए आप छोटी सी, ठीक है तो फिर ये चचेरी बहन हो जाती, लेकिन इसमें इकलौता दे रखा है तो इसलिए वही उसका, ठीक है इकलौते बेटे की पत्नी की पुत्री होती, ठीक है आगे ना बात समझो भी, ठीक है यदि इकलौता नहीं होता तो दो उसके सन बन जाते, अभी उसने इकलौता बोला था इसलिए, क्योंकि सॉल्विंग में इकलौता दे रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, इंक लगा दो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 837 इज इक्वल टू 64949। डियर देखो 8 का वर्ग करो 64, 3 का वर्ग करो ना 7749, मिल गया लॉजिक। अब आपसे पूछा है कि 708, 7749, 0 का 0 8864, 49064 ए आ गया इसका, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि आपसे इसमें विषम बताइए,
चलो जी विषम भाई ये तो ऐसे ही करेंगे, नहीं तो मुझवानी। तबला वीणा सितार एक तारा, सब में तार होते हैं ना, होते हैं सितारा में भी तार, वीणा में भी तार, एक तारा में भी तार, लेकिन तबले में तार नहीं होते, ठीक है डियर। तबले में वो रस्सियाँ खींची होती हैं, उनको मत बोलना कि भैया रस्सियाँ खींची, नहीं तबले में तार नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि 5-8, इसको देख लेते हैं, 5-8 ये डियर 17 है, सॉरी ये 17 है, 17 1938 और 2140। देखो इसमें दो लॉजिक लग रहे हैं, इसमें अलग पूछा है, देखो कैसे, देखो देखो सबके पहले नंबर देखो आप, देखो अभाज्य 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 भाज्य अभाज्य 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 भाज्य, तो मतलब ये भी हो सकता है 2140 में। फिर दूसरा लॉजिक क्या, देखो 5 × 10 − 2 = 8, 17 × 34 − 2 = 32, 19 × 38 21 × 42 − 2 = 40, मतलब ये भी हो सकता है फिर, क्योंकि 2 घटा रखा, क्या करेंगे बताओ आप ही बताइए, इसमें आप कौन सा सटीक बैठ रहा है भाई, ये ठीक है ना 19 × 38 वाला, 17 × 34 ठीक है, तो इसको इसमें यही इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। भाई देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि रीजनिंग के एक क्वेश्चन के दो दो आंसर निकलते हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा लॉजिकली लगे ना कि हाँ यार ये लॉजिक लग सकता है तो उसको लगाइए, ठीक है, जहाँ थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ रही हो उसको आप लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लीजिए आप, बस वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, स्कोर जरूर छोड़ के जाना कमेंट बॉक्स में। इसमें बोला आपसे विषम को अलग कीजिए, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन को देखिए जरा, देखो यहां है पी के क्यू आई और यहां है एम एन एम ओ एल, ये सीरीज सब में देखो एम एन एल ओ एम एन एल ओ, ठीक है, तो पी क्यू आई जे, भाई पी क्यू आई जे होना चाहिए, के आ गया तो मतलब कितना हो रहा है, यहाँ प्लस वन होना चाहिए प्लस दो हो रहा है, तो इसलिए ये इसमें गलत है, पी क्यू क्यू आई इसमें गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहले से वैल्यू रखनी है भी 7-8 ई मतलब 5 एफ मतलब 6 56 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर इसको देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, साठ 36 100 कितना है, देखो भाई बटे 10 कीजिए गुणा 6 कीजिए, यहाँ बटे 10 कीजिए गुणा 10 कीजिए, ठीक है, ये इसका तो भी कितना बनेगा 0 × 0 = 10 = 100 इसका आंसर बनने वाला है भाई, 100 इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है पहला। चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाइए भी, अब नॉन वर्बल क्वेश्चन आएंगे सारे, ठीक है। चलो भी ये जो आपके बराबर ने क्वेश्चन दे रखा है इसको लगाने की कोशिश कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है अभी, ठीक है लगाइए आप, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देखो डियर गौर से, देखो इसमें तीन का भाग लगाना है तो बनेगा कितना, आप कहोगे भैया तीन बनेगा, इसमें चार बनेगा, दोनों का गुणा कीजिए, तीन चौके 12 × 15 = 180, ठीक है। इसमें चार का भाग लगाना है, एक बनेगा, इसमें चार का कितना बनेगा, चार बनेगा, तो चार एकम चार की गुणा कीजिए 20 × 80। अब वहाँ पाँच का लगाओगे, पाँच एकम पाँच, पाँच तिया 15, 3 × 3 और 25 × 75 इसका आंसर बन जाएगा। ये इसका लॉजिक है भी, ठीक है, ये इसका लॉजिक है, इसमें भाग उसमें डायरेक्ट गुणा, पहले तीन का फिर चार का फिर पाँच का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पासे को देखिए भी, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। आपसे बोला है कि चार के प्रत क्या होगा, देखो दोनों में एक संख्या को आप कॉमन देखिए, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, आप बोलोगे भैया तीन दिख रहा है, तीन से आगे चलिए क्या हो रहा, तीन से आगे दूसरे में कितना, एक, पहले में चार, मतलब चार के विपरीत एक हो जाएगा, ठीक है, चार के विपरीत एक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए, डी डायग्राम का एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, वृक्ष हाथी और पशु, हाथी और पशु, इसका मतलब ये जो एनिमल है, ये जो भाई पशु है सपोज करो, तो हाथी तो इसके अंदर ही होगा फिर, बाकी वृक्ष का कोई मतलब ही नहीं, तो ये बनना चाहिए भी इसका, तो ठीक है, कौन सा बनेगा, बी इसका आंसर जाने वाला है, बी इसका आंसर जाने वाला है, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर, ये सेम आकृति आपको दिखाना है, ठीक है, समरूप आकृति दिखाइए, जैसा रिलेशन पहले दो में ऐसा रिलेशन अगले दो में दिखाइए आप। देखो डियर गौर देना भी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है वरना आपको। अब देखो सबसे पहले पोजीशन इंटरचेंज कर दो, सबसे पहले पोजीशन तो इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और जिसकी नंबरिंग ज्यादा है उसकी नंबरिंग वन कर दो और दूसरे की नंबरिंग को डबल कर दो, या उसका उसके जितने पर उसके बराबर कर दो। अब देखो जरा गौर से, आप पहले और दूसरा ऑप्शन को देखो, पहले दूसरा आप बोलो भैया पहला भी लग रहा है दूसरा भी, लेकिन आपको करना क्या है ये देखो, आप सबसे पहले ये देखो, ठीक है, आपको इस चीज को, ठीक है, इस चीज को, ये जो सर्किल है ना ये आपको नीचे लाना है भी, अब आपको ये चीज यहाँ ले जानी है, यहाँ इसके ऊपर ले जानी है, ये चीज यहाँ या यहाँ ले जानी है ऊपर, तो ऊपर में कौन सा दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है ना, ठीक है, आप ए को लगाओगे ना कि बी को लगाओगे, बाकी तो खैर गलती है, सी डी ई तो हो ही नहीं सके, तो इसके में आप ना डियर ए को लगाओगे तभी तो आप पोजीशन इंटरचेंज करोगे, दो लॉजिक पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और इनकी संख्या बढ़ा दो, एक की संख्या कम कर दो, ठीक है। अच्छा जी चलो जी, इसमें देख लो भी, ये वाटर मेड का क्वेश्चन है, इसमें तो सीधा दिख रहा है मुझे, मैं कौन सा लगाऊंगा बताऊं आपको, सी, सी इसका आंसर बनेगा भी, ठीक है, हाँ जी सी बनेगा। चलो जी आकृति को पूरा कीजिए, आकृति को पूरा कीजिए भी इसको, तो कैसे करें भाई, ठीक है, देखो मुझे खाली पार्ट चाहिए और मुझे पीछे आपका ये चाहिए, तो आप ना सिर्फ डी को देखिए और बी को देखिए, डी में तो वो खाली पार्ट नहीं है, वो तो डार्क है, तो आप बी को देख लीजिए, बी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो नीम राखे वृत्तों की संख्या देखिए, तो मैं देखो जरा गौर से, भाई इसमें गिन लीजिए इसमें कितने हैं, ठीक है, इसमें गिन लीजिए आप फटाफट, इसमें है भैया आपके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, ठीक है। अब एक बात होती है, ऐसे ऐसे तीन दिख रहे हैं तो 21 ना हो जाएंगे, लेकिन देखो ये वाले दो जो है ना, ये एक तो ये ज्यादा गिन गया, एक वो दूसरा वाला वो ज्यादा गिन गया, तो 19 में से दो को माइनस कर दीजिए, 21 में से दो को माइनस कर दीजिए, 19 डियर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, 19 इसमें हो जाएंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 25 पेपर कटिंग का क्वेश्चन है भी, लगाइए।
चलो देखो कंफ्यूजन हमेशा इनको ऐसे दूर किया जाता है, कंफ्यूजन को देखो कैसे। पहले ये पेपर था, इसको ऐसे मोड़ दिया गया, इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है, इसको ऐसे हटा दिया, फिर क्या किया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया गया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है जी, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया जी, ठीक है। अब उसने बोला कि यहाँ एक कट लगा देते हैं, यहाँ यहाँ एक कट लगा देते हैं ऐसा। अब इसको जब मैं देखो ऐसे ऊपर को खोलूंगा तो देखो मुझे ऐसा एक कट दिखाई देगा या नहीं, और अब ये हो गया ऐसा। अब मैंने इधर पलट, तो मैं इधर इसको इधर पलटूंगा तो मुझे एक बात बताइए, फिर देखो यह मिरर का कंसेप्ट, ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, और जब मैं इनको नीचे को लाऊंगा तो फिर मुझे ऐसे ना दिखाई देंगे, डियर ये ऐसे दिखाई देंगे। अब देख लीजिए आप यार, ऐसी आकृति मुझे ए लग रही है, ठीक है, ए इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ भाई सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी आपने काफ़ी किए होंगे और एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। ये चीज़ होती है जो आपकी तैयारी को बरकरार रखती है, ठीक है दोस्तों। तो भी फिर से बता दूं, मैं सेशन पसंद लगा तो सेशन को लाइक कीजिए अभी और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बड़ी मेहनत चली है आपके साथ वीडियो के साथ भाई, ठीक है। जो भी फीडबैक हो अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। देखो सभी बच्चे आपके स्कोर देखते हैं, ठीक है, उसने कितना किया, ठीक है दोस्तों। चलो भाई फिर मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।